ये वाटर फिलिंग मशीन में अपना जो एयर ब्लोअर होता है उसको आपको सेट कैसे करना है वो ज़रा मैं दिखाता हूँ। इसमें जो बॉटल रहता है, ठीक है, वो बॉटल मान लीजिए कि यहाँ से अगर टाइट हो रहा है तो ये जो पट्टी है उसको ये बोल्ट से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एयर ब्लोअर है उसको मशीन का पैनल से यहाँ से ऑन करने के बाद भी अगर बॉटल आगे नहीं जा रहा है, ये देखिए वो ये ऑन कर रहा है, उसके बाद भी वो एयर के प्रेशर से आगे नहीं जा रहा है, देखिए ये आगे नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पे सप्लाई दिया है, ठीक है, वो कनेक्शन आपको चेंज करना है। अभी देखिए वो एक बार वायर चेंज करेंगे और फिर देखिए वो प्रेशर से बॉटल आगे जाएगा। वो कनेक्शन चेंज किया है, उसके बाद ब्लोअर ऑन किया, अब देखिए वो कितना प्रेशर से आगे जा रहा है, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ ध्यान में रखना है। ये बॉटल जब यहाँ से ये स्टार प्लेट में एंटर होता है तो आपको मेन चीज़ ये देखना है, यहाँ पे ये जो पट्टी लगा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल उसके कॉलर में आना चाहिए, और वो भी वो हिसाब से सेट करना है कि वो इतना सा लूज़ रहे, मतलब यहाँ पे टाइट हुआ तो बॉटल आगे नहीं जा पाएगा और डैमेज होगा, उसको एकदम लूज़ करना है। उसके लिए आपको ये तीन बोल्ट को लूज़ करके पट्टी को थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर इसको एकदम से टाइट कर देना है, ठीक है, तो ये भी एक बात को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू। ये जो बॉटल का गाइड है, सपोर्ट है, यहाँ से बॉटल को सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ बॉटल को थोड़ा सा आगे ले जाके, ये देखिए ये वो बॉटल को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको आपको फिट करना है। ये ऊपर का स्टार प्लेट जो ऐसे होता है रेडियस, ठीक है, ये हिसाब से बिल्कुल यही हिसाब से ये यहाँ पर आना चाहिए, अगर इसको आपने उल्टा लगाया तो बॉटल का एक्सीडेंट होगा। ये जो पट्टी यहाँ पे दी गई है वो आपको ये बॉटल का डायमीटर के हिसाब से सेट करना है। वो पट्टी का यूज़ ये है कि आपका ये जो कॉलर है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में रहे, वो बैंड ना हो, तो आपको ये पट्टी को थोड़ा सा बॉटल की साइड में, इस साइड में दबा के रखना है।